कोविड-19 के चलते पिछले 5-6 महीनों से प्रशासन ने संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस इत्यादि पर रोक लगा दी थी, जिससे न्याय प्रक्रिया में फरियादियों को समस्या हो रही थी। इसके बाद अब फिर से इसके शुरू होने के बाद लोगों को राहत मिल पाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनः संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस आदि को शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिससे आम जनमानस की समस्याओं का निवारण हो सके। इसी के चलते आज तहसील गरौठा में मुख्य विकास अधिकारी झांसी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 53 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें 10 राजस्व के, 5 समाज कल्याण के, 13 विकास के, 13 पुलिस के व 12 अन्य मामलों के प्रार्थना पत्र शामिल रहे। 5 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी गरौठा धीरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी गरौठा मनीष चंद सोनकर, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गरौठा सभाजीत मिश्रा सहित राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस आदि विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारा नाम चंद्रवान श्रीवास है। किस मोहल्ला के निवासी हो आप? हम सभी लोग गांधीनगर निवासी हैं। क्या परेशानी है आपको? हमारे मोहल्ले में लगभग 1 साल से पानी सप्लाई नहीं आ रहा है। पूरे मोहल्ले का खारा पानी है पंप पे। सभी लोग पानी सप्लाई पे आश्रित हैं। कई बार शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो इसके पहले भी आलाधिकारियों को आपने शिकायत की? इससे पहले लगभग 1 सप्ताह माननीय उप जिलाधिकारी गरौठा SDM साहब को हमने प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आएगा पानी, लेकिन पानी सप्लाई टंकी से किया गया, केवल 5 मिनट के लिए चेक किया गया, उसके बाद नहीं आया। तब हमने फिर दोबारा प्रार्थना पत्र, आज पुनः सारे मोहल्लावासी प्रार्थना पत्र देने आए हैं। जी जी। गरौठा से हेमंत यादव की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। और मैं हूं पूजा। अपने जीवन में हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, और इस प्यार में जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी हमारे पापा भी हमसे नाराज हो जाते हैं, तो कभी कभी माँ भी हमको बुरा भला कह देती है, कभी छोटा भाई भी बड़े बोल बोल देता है, और छोटी बहन भी रूठ जाती है। जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं वो भी हमसे खफा हो जाते हैं। तो NewsBK आपके लिए लाया है थैंक यू NewsBK। तो बस अपने एहसास को NewsBK के माध्यम से अपनों से अपनों तक पहुंचाइए। थैंक्स NewsBK।